लेकिन मुझे पूरा पता है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे बनाऊंगा, जैसे मैंने इसे बना रखा है उस हिसाब से इसमें मुझे अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक, सो हे फ्रेंड, दिस इज विकास शर्मा और मैंने एक डेयर स्क्रिप्ट बनाई थी जिस स्क्रिप्ट के थ्रू अभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख करके वहाँ से स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरा एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसी पर मैं आपको सारी अपडेट्स दूंगा और आप वहाँ से स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए और एक वीडियो है उसको देख लीजिए कैसे इंस्टॉल करना होता है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप हमारी एक सर्विस है, पेड सर्विस, इसे ले सकते हैं। 99 रुपीज़ की ये पेड सर्विस है, हम आपके लिए इसे 99 रुपीज़ में आपके सी पैनल पे इंस्टॉल करके दे देंगे आपको। ये पर इंस्टॉलेशन का चार्ज है, ये काम मेरी टीम आपके लिए करके देगी। ओके, सो नाउ बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि डेयर स्क्रिप्ट का क्या एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा या कैसे मोनेटाइज करेंगे, कैसे इस पर काम किया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि लगभग आप चाहो तो डेयर स्क्रिप्ट से अप्रूवल के लिए आपके पास, आप एडसेंस से अप्रूव करा सकते हो, आप ट्रैफिक को भेज के अपनी वेबसाइट से अप्रूव करा सकते हो, आप चाहो तो कोई एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करके इससे कमा सकते हो, मतलब काफ़ी सारे वे हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले समझना होगा कि एडसेंस क्या होता है। एडसेंस बेसिकली आपको एडवर्टाइजमेंट अप्रूवल तभी देता है जब उसे लगता है कि आपकी वेबसाइट पर कॉन्टेंट है। देखिए, बॉट्स काम कर रहे हैं एडसेंस के, वो आपकी वेबसाइट, आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, बॉट्स आते हैं, चेक करते हैं आपकी वेबसाइट को, वो देखते हैं कि वेबसाइट किस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे लिखी गई है, क्योंकि टेक्स्ट ही वो रीड करते हैं आपकी वेबसाइट में, इमेजेस रीड नहीं होती हैं इस तरीके से। तो वो देखता है कि वेबसाइट पे कंटेंट किस टाइप से है, कोई डिफेंस में काम कर रहा है तो कोई किसी और चीज़ में काम कर रहा है, इस तरह से चीज़ें होती हैं जिस पे हम लोग काम करते रहते हैं। और हमें जो है एड्स बॉट्स चेक करते हैं और देखते हैं कि अगर वेबसाइट पे लेसर कंटेंट है, कॉपी पेस्ट कंटेंट है, प्लेगराइज कंटेंट है, इस तरह का अगर कंटेंट आ रहा है तो क्या होता है कि बॉट्स सिग्नल दे देते हैं एडसेंस की मैनुअल टीम को कि भैया इस वेबसाइट पे ये कंटेंट है, और मैक्सिमम काम वो करके दे देते हैं कि 70% इस वेबसाइट पे प्लेगरिज्म है या 80% चांसेस है कि इसको नहीं मिलना चाहिए, तो टीम चेक करती है और भेज देती है। अगर बॉट्स ने ओके कर दिया तो वो सीधा बस चेक करते हैं और भेज देते हैं। तो एडसेंस बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइटों को ज़्यादा यू नो प्रेफर करता है अपने एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये आ जाएगा कि OLX पे तो कोई कंटेंट नहीं होता, वहाँ पे तो आधे से ज़्यादा कंटेंट प्लेगराइज्ड है, कॉपी पेस्ट है, तो आप वहाँ पर कैसे अप्रूवल मिल गया है उनको, या ऐसी वेबसाइटों को अप्रूवल कैसे मिल रखा है। या आप हमारी एड्रेस गुरु को भी देख सकते हो, इसमें भी हमें एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है, तो कैसे ऐसे अप्रूवल मिल गया है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक ट्रैफिक भी सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत अच्छा आ रहा है या आप बहुत अच्छे ब्रांड हो तो फिर एडसेंस आपको एडवर्टाइजमेंट देगा ही देगा, वो करेगा ही करेगा आपको, क्योंकि वो जानता है कि आपके जो लोग आएंगे वो बहुत जेन्युइन विजिटर आएंगे और उन विजिटर के थ्रू आपको ट्रैफिक भी अच्छा मिलेगा और उसके पास जो कन्वर्जन रेट्स आएंगे, क्योंकि एडसेंस कोई अपने पैसे नहीं दे रहा है, वो भी आपके एडवर्टाइजर के पैसे लोगों के देता है कि लोग एडवर्ट के थ्रू पैसा लगाते हैं और एडसेंस उनको पब्लिशर्स के थ्रू पब्लिश कराते हैं और उनके जो यूजर होते हैं वो उसे देखते हैं और क्लिक करके आते हैं। तो जितनी जेन्युइन वेबसाइट होगी उतने ज्यादा जेन्युइन ट्रैफिक कहां पर जाएगा, एडसेंस के थ्रू उनके एडवर्टाइजर को अच्छा ट्रैफिक मिलता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अगर आप कहेंगे कि ये स्क्रिप्ट पे, फिर से सवाल आ गया है कि स्क्रिप्ट जो हमने बनाई है इस पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, तो देखिए इसके मैं आपको बताता हूँ, हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट पार्ट भी रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे, अगर आप उसे प्रॉपर फिल कर देते हैं, पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो हाँ लगभग 80% चांसेज हैं कि अप्रूवल हो जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या मेरा अप्रूवल हुआ है, तो मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, मैंने ये ट्राई अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया है कि मुझे अप्रूवल मिल जाए। लेकिन मुझे पूरा पता है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे बनाऊंगा, जैसे मैंने इसे बना रखा है उस हिसाब से इसमें मुझे अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा तो शायद 100% चांसेस हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा ट्रैफिक है, रेफरेंस ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक है, तो भी मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप अप्लाई करना भी चाहेंगे इस स्क्रिप्ट के थ्रू, तो तब करिएगा जब आपकी वेबसाइट पर डे के 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक होगा, अदरवाइज मत करिएगा अप्लाई, क्योंकि कम ट्रैफिक पर वैसे भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। सेकेंड तरीका इसे प्रमोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप
इस पे कोई लिंक लगा दीजिए अपनी वेबसाइट का, जहाँ पर हमने बैनर का आपको लिंक दिया गया, वहाँ पे आप बैनर का लिंक लगा दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए कि अर्न मनी दिस वेबसाइट, या आप कुछ बता रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, तो उसे अपनी उस एडसेंस वाली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपके एडसेंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो जब ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ जो लोग एड्स देखेंगे उससे आपको अर्निंग हो जाएगी। आप चाहो तो किसी मोबाइल, जैसे नया मोबाइल आ गया है, नॉर्ड आ गया है, या कोई भी मोबाइल आ गया, वन प्लस का आ गया है या आईफोन आ गया, उसका आप एफिलिएट बैनर इमेज लगा दीजिए, अपने एफिलिएट की सेल बढ़ा लीजिए आप। तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर एडसेंस से ही अर्निंग करनी है तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने वीडियोस में भी कहा है कि आप प्री अप्रूव्ड वेबसाइट पे ही इसको चलाएं, सब डोमेन बना के चला दें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपके थोड़े से डाउट स्क्रिप्ट को लेकर के और एडसेंस को लेकर के दूर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।